दोस्तों, हमारी जिंदगी में उंगलियों का महत्व सिर्फ वो लोग जानते होंगे जिन्होंने किसी कारण से अपनी उंगलियां खोई है। हमारी उंगलियां तो ठीक ठाक है, इसलिए उंगलियों को लेकर हमारे मन में कोई सवाल नहीं आता। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमारी उंगलियां एक जैसी क्यों नहीं होती। दोस्तों, सवाल बहुत सीधा है लेकिन जवाब बहुत टेढ़ा है। इसी टेढ़े जवाब को सीधा करने के लिए मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल करना मत भूलिए। हमारे उंगलियों की कहानी तब से शुरू होती है जब हमारे पूर्वज चिंपांजी जैसे दिखते थे और वे ऐसी ही हरकतें करते थे जैसी हरकतें आज के चिंपांजी करते हैं, जैसे कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना, पेड़ों पर लटके रहना इत्यादि। उनके हाथ का पंजा आकार में बहुत बड़ा था और उंगलियां भी एक समान आकार की थी, और अंगूठे की बात करें तो अंगूठा बहुत छोटा था, जिस वजह से वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से जा सकते थे और कितनी भी देर तक लटके रह सकते थे। लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने शिकार को शुरुआत की। तब शिकार में इस्तेमाल होने वाले हथियार बनाने के लिए एक मजबूत पकड़ की जरूरत पड़ी, लेकिन उनकी एक समान उंगलियों की वजह से एक मजबूत पकड़ होना बहुत मुश्किल था, और जबकि शिकार करना उनके लिए बहुत जरूरी था, तो वे एक मजबूत पकड़ बनाने के लिए कई साल प्रयास करते रहे और उनकी उंगलियां असमान होने लगी। तब जाकर उनकी पकड़ मजबूत होने लगी। अगर हमारी उंगलियां एक जैसी होती तो हम हाथ की मुट्ठी भी ठीक से बंद नहीं कर पाते और हमारे मुट्ठी में बहुत सारा गैप रहता। हमारे हाथ के मजबूत पकड़ में सबसे अहम रोल हमारा अंगूठा निभाता है। अगर आप कोई भी सिंपल से सिंपल काम करना चाहते हो तो भी आपको अंगूठे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मान लो मैंने कहा कि आप एक रस्सी एक हाथ में अंगूठे का इस्तेमाल करके पकड़ लो और दूसरे हाथ में दूसरी रस्सी अंगूठे का इस्तेमाल ना करके पकड़ लो। आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि कौन सी पकड़ मजबूत है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमारी उंगलियाँ एक समान क्यों नहीं होती। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।